दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेहद मजेदार गैजेट्स के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगर आपको कोई गैजेट बहुत ज्यादा पसंद आए तो फटाफट उसका नाम कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा, ताकि उसी तरीके के गैजेट्स मैं आपको और भी दिखाता रहूं। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कि इस सीरीज के सबसे निचले पायदान पर कौन रहता है। नंबर 9, जूम शूज। दोस्तों बच्चों को स्केटिंग करने का काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल स्केट जिस पर पैर रखते ही वो फौरन भागने लगे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रिकल स्केट्स को। इनकी खास बात ये होती है कि इनमें इनबिल्ट होती है एक छोटी सी बैटरी, जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस पर पैर रखिए और राइडिंग का मजा लीजिए। इसकी टॉप स्पीड 8 माइल पर आवर की होती है और साथ ही इसका राइडिंग टाइम लगभग 1.5 घंटों का होता है। वहीं दोस्तों ये स्लोप में भी अच्छी तरीके से मूव कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक इलेक्ट्रिकल स्केट जिससे कि आप कहीं भी जाकर शॉर्ट डिस्टेंस पर मजे ले पाएं, तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 8, आई ब्रेस। दोस्तों अगर बात नजर वाले चश्मे की हो या फिर किसी भी चश्मे की, तो उनमें एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उनका रखरखाव सही से करना पड़ता है, नहीं तो बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि वो एक समय बाद टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी नजर वाले चश्मे की बात करें तो उसमें ये चीज कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जिसे कि इस्तेमाल करने के बाद आप उसे किसी केस में नहीं बल्कि अपने हाथों में पहन सकते हैं। यानी कि ये चश्मा आपके लिए एक ब्रेसलेट की तरह काम करेगा। दोस्तों देखने में तो ये एकदम नॉर्मल चश्मे जैसा ही होता है, लेकिन बीच में से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, जिसके बाद यह आपके हाथों में आसानी से फिट बैठ जाएगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो फटाफट इसे एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। नंबर 7, स्विफ्ट पॉइंट जीटी। दोस्तों आपने माउस तो बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कम से कम आपको एक सरफेस की जरूरत होती है और वो साइज में थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो अगर आप एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो कि साइज में बेहद छोटी हो और जिसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई स्पेसिफाई सरफेस की जरूरत ना हो, यानी कि आप जहां चाहे वहां रखकर इसे यूज कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। ये एक ऐसा छोटा सा जेस्चर रिकॉग्नाइजर होता है जो कि आपके लिए एक माउस की तरह काम करेगा। ये विंडोज 10 के साथ साथ बहुत सारी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और ठीक आप वैसे ही इसे इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे अपने माउस को यूज करते हैं। साथ ही इसमें आपको एक छोटा सा पोर्ट मिल जाता है, जिसे कि आपको इंसर्ट करना होता है अपने कंप्यूटर में, जहां से आप इसे अटैच करके इसे चार्ज भी कर सकते हैं। इसकी खास बात ये रहती है कि जब आप इसे अपने कंप्यूटर या फिर टैबलेट के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप टच स्क्रीन डिस्प्ले को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि इसके सारे जेस्चर्स कुछ ऐसे ही रहते हैं। यानी कि आपको माउस के साथ साथ एक टच स्क्रीन वाली भी फीलिंग आ जाएगी, बल्कि इसे आप किसी भी सरफेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज्यादा मजेदार रहेगा। नंबर 6, निब्यूला। दोस्तों प्रोजेक्टर तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा साइड में छोटा प्रोजेक्टर जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकें, तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। एक स्पीकर की तरह दिखने वाला ये गैजेट खासतौर पर बनाया गया है प्रोजेक्शन के लिए, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन के साथ पेयर कराकर यूज कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां से आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको इसके ऐप में बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और स्पीकर इनबिल्ट होने की वजह से इसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, तो ये आपको एकदम थिएटर वाली फीलिंग देने वाला है। साथ ही इसके स्क्रीन के रेशियो को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि एक अपने आप में कमाल की बात रहती है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा प्रोजेक्टर जिसका इस्तेमाल आप प्रेजेंटेशन के लिए कर सकें या फिर अपने होम एंटरटेनमेंट पर्पस यूज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। नंबर 5, लॉजिटेक मल्टी डिवाइस कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप किसी वायरलेस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी लिमिटेशन ये होती है कि दोस्तों एक बार में आप उसे एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हो, जैसे कि आप अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट करना चाहें या फिर फोन के साथ भी कनेक्ट करना चाहें एकदम सेम टाइम में, तो ये शायद अभी मुश्किल हो। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं इस तरीके के लॉजिटेक के कीबोर्ड को, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड करने के ऑप्शन देता है। इसमें आप एक साथ 3 डिवाइसेस को पेयर करा सकते हैं, यानी कि ये तीनों के साथ एक साथ काम कर सकता है। जिस भी डिवाइस में आपको काम करना हो, बस उसकी बटन दबा दीजिए, यानी कि 1, 2, 3 में आप कुछ भी प्रेस करते हैं, तो ये फौरन उसी के साथ आपका टाइपिंग का काम शुरू कर देगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जिससे कि आपको बार बार पेयर और अनपेयर कराने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। वहीं इसकी बैटरी लाइफ भी लगभग 24 महीनों की रहती है, जो कि एक अपने आप में कमाल की बात रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस कीबोर्ड को ट्राई करना, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, ZenBook Flip S।
दोस्तों अगर आप एक पावरफुल लैपटॉप चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऐसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे यूनिक बनाते हैं। सबसे पहले तो बात करनी होगी इसकी डिजाइन के बारे में। इसकी डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत और डुअल कलर में रहती है, जिसकी वजह से देखने में काफी अच्छा लगता है। साथ ही स्लिम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी रहेगा, जिससे कि इसे कैरी करना आसान हो जाता है। इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 4K HDR को सपोर्ट करेगी। साथ ही इसमें इनबिल्ट होता है इंटेल का कोर i7 प्रोसेसर, जो कि 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, यानी कि काफी कमाल की परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिल जाएगी। वहीं इसमें आयरिस एक्स ग्राफिक्स भी इनबिल्ट रहते हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। वहीं इसके स्क्रीन टिल्ट के फीचर से ये आपको कहीं ना कहीं टैबलेट वाली फीलिंग देता है। साथ ही इसमें आप स्टाइलस पेन को भी यूज कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होती है पावरफुल बैटरी, जिससे कि आपको 15 घंटों का इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहेगी। तो अगर आप इस लैपटॉप के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 3, इजी वॉच 2.0। दोस्तों अगर आप कहीं बाहर रूम लेकर रहते हो या फिर जॉब करते हो तो आपको कपड़े धुलने में बहुत परेशानी होती होगी। आप कभी कभी सोचते होंगे कि वॉशिंग मशीन ले ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अकेले के लिए इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन होती है जिसे कि आपको अपने हाथों से ऑपरेट करना पड़ता है। यानी कि कॉन्सेप्ट तो इसमें वही होता है कपड़े धुलने का, लेकिन बस इसमें घुमाने के लिए आपको अपने हाथों का यूज करना पड़ेगा। प्लास्टिक का बना हुआ ये गैजेट एक मैनुअल वॉशिंग मशीन की तरह होता है, जहां पर आपको एक हैंडल दे रखा होता है। इस हैंडल को अगर आप मिडिल पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप इसे रोटेट करेंगे तो इसके अंदर का ड्रम रोटेट करेगा, जिसमें कपड़े रखकर आप आसानी से धुल सकते हैं। साथ ही आप इस हैंडल को अगर साइड में लगाकर रोटेट करते हैं तो ये आपके लिए एक ड्रायर की तरह काम करता है, जिसमें आप कपड़े सुखाने का काम भी आसानी से कर पाएंगे। तो कमाल की चीज रहती है, जो कि कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो कि वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना चाहते। नंबर 2, ब्लूम फ्रेम विंडो। दोस्तों बड़े बड़े शहरों के जो अपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर जगह की काफी कमी होती है। साथ ही वहाँ पर अगर आपने विंडोज देखी होगी तो वो भी बहुत ही ज्यादा आगे की तरफ निकली रहती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको छज्जे की जगह ही नहीं मिलती। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसी विंडो जो कि आपके लिए जब चाहे एक एडिशनल छज्जे की तरह काम करे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की सिस्टम को। दोस्तों ये एक ऐसी ग्लास का बना हुआ पैनल होता है, जिसे कि आपके घर में ऐसे फिट किया जाता है कि जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो फौरन ये आगे की तरफ निकल जाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है बैठने के लिए और आपको एकदम छज्जे वाली फीलिंग आएगी। साथ ही जब चाहे तो आप उसे दोबारा एकदम फ्लैट विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि बड़े शहरों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 1, फियर फाइल्स LED प्लेइंग कार्ड्स। दोस्तों प्लेइंग कार्ड्स का चलन इंडिया के अंदर काफी ज्यादा है। आज भी लोग बहुत सारे प्लेइंग कार्ड्स के साथ ट्रिक्स दिखाते हैं, जो कि देखने में मजेदार भी लगती हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं तो इन कार्ड्स की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स की खास बात ये होती है कि इनमें LED लाइट्स लगी होती हैं, जिनकी वजह से काफी तेजी से चमकते हैं। इनसे आप अलग अलग तरीके की ट्रिक्स दिखा सकते हैं, साथ ही आप अलग अलग तरीके के खेल दिखाकर लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं। तो कमाल के रहते हैं इस तरीके के कार्ड्स, जो कि देखने में तो अच्छे लगते ही हैं और साथ ही साथ थोड़े से ड्रामेटिक भी रहेंगे। तो कैसे लगे हैं आपको ये कार्ड्स, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वही वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपको कुछ बहुत ही मजेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।